जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत आभार है। यदि अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल से आप नहीं जुड़े हैं, तो आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाए, ताकि आपको हमेशा सही जानकारी मिलती रहे। हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जो होना है वो होके रहेगा, और जो चीज़ें हैं वो सभी पहले से वेल डिसाइडेड होती है। हम तो केवल एक निमित्त मात्र होते हैं। तो ये जो जीवन है, ये बहुमूल्य है। जो चीज़ें आज हमको दिखाई दे रही है वो कल नहीं होगी, जो कल थी वो आज नहीं दिखाई दे रही है, और ये ऊपर नीचे होती रहती है। तो पहली और मुख्य बात जहाँ से मैं इस चर्चा को शुरू कर रहा हूँ, वो है कि गीता का अध्ययन एक बार ज़रूर आप करें, क्योंकि गीता के जो ज्ञान है उसे कई सारे विद्वानों ने, कई सारे महापुरुषों ने उसके बारे में जितना लिखा है वो खुद कहते हैं कि ये कम है, और वो शाश्वत सत्य है, इस जीवन का मैनेजमेंट है। उसमें लिखा है कि जो होना, जो हो रहा है मेरी इच्छा से, यानी ईश्वर की इच्छा से जो होना है वो मेरी इच्छा से। आपके हाथ में सिर्फ कर्म करना है, आप कर्म कर सकते हैं, लेकिन फल जो है वो ईश्वर के हाथ में देना होता है। वीडियो को पूरा देखें यहाँ से, क्योंकि तो चीज़ जो मेन चीज़ है उसे अब आप जानेंगे। अब हो ये रहा है कि हम कर्म करने में विश्वास नहीं रख रहे हैं और फल की ज़्यादा चिंता कर रहे हैं, और यही परेशानी हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रही है। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप कर्म के प्रति पूरा सजग रहें, पूरी ईमानदारी के साथ करें और फल की चिंता ना करें। अब कर्म किस तरह से करें, कर्मों के लिए भी कुछ चीज़ें हैं, कुछ मैनेजमेंट है, कुछ चीज़ें हैं। उसके लिए आपको शांति और धैर्य से करना होगा। शांति और धैर्य का मतलब यह है सूझबूझ, सजगता के साथ काम को करना होगा। और जो वक्त है, क्योंकि कर्म और वक्त दोनों एक सिक्के के दो पहलू है, आपके पास जितना वक्त रहेगा उतने आप कर्म कर पाएंगे। तो उस वक्त को आप मैनेजमेंट अगर सही कर पाएंगे तो कर्मों को और बहुत प्रभावी ढंग से आप कर पाएंगे, और उनके परिणाम जो है वो आपको और भी अच्छे दिखाई देने लग जाएंगे। तीसरी बात है, एक निवेदन है दोस्तों, कि यदि आप मुझसे बात करना चाहते हैं या कंसल्ट लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर मेरे नंबर चल रहे हैं, आप व्हाट्सएप से मेरा नंबर बुक कर सकते हैं और मुझसे बात कर सकते हैं। शुल्क बिल्कुल नॉमिनल होगा, ये केवल सेवा है, इसका आप लाभ लें। तीसरी बात ये होती है कि कर्म जो है वो व्यक्ति को, इसमें मन की स्थिति जो होती है, हमारा मन वो इसे करने नहीं देगा। मन में ख्याल आएंगे, लोग क्या कहेंगे, ये क्या होगा, वो क्या होगा, और हमको बहुत उलझा दे। और इन्हीं उलझनों में जो एक चीज़ें सही होना चाहिए थी वो सभी चीज़ें हमारे पक्ष में होती हुई रहती है, लेकिन मन के इस पूरे एक माया जाल में हम फंस के उस काम को तो छोड़ देते हैं या हमारा मन नहीं लगता है। तो ये जो चीज़ है इस पे आपको फोकस करना है कि जब भी आप कोई काम करें, चाहे अच्छा हो या आप उसके लिए परिणाम आने वाले दिनों में मिले, पर उसको पूरी ईमानदारी के साथ करें, क्योंकि ईमानदारी से किसी भी कर्म को करने से फल आपको अच्छा मिलेगा। अब तीसरी चौथी बात है कि कई बार हम अच्छा कर्म भी कर रहे हैं, अच्छी चीज़ें भी कर रहे हैं, पर फल हमें अच्छा नहीं मिल रहा है, ये चीज़ें भी होती है। तो जीवन जो है, कई बार चीज़ों को समझना, चीज़ों को एनालिसिस करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो हम काम कर रहे हैं उसका एक बार पुनः मूल्यांकन करें कि हम कहाँ गलत हो रहे हैं, कहाँ हम चीज़ों को सही नहीं कर रहे हैं, और उसके बाद फिर प्रयास करें, फिर आपको सफलता मिलेगी। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं कि आप कर्म अच्छे करें, फल भी आपको अच्छे मिलेंगे, लेकिन कई बार लोगों के साथ ये सिचुएशन हो जाती है, इसलिए ये बात। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपनी जो भी राय हो कमेंट्स में खोल कर लिखें। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल।